कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोली ने पार्टी मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आरटीआई में कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़े के तहत 200 से अधिक किसानों के साथ में फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसमें मृतक किसानों के खातों को दिखा करके रुपये भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी के विधानसभा क्षेत्र मसूरी में खासकर यह फर्जीवाड़ा हुआ है। इस पर बीजेपी के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर भसीम ने कहा कि किसानों का जो भुगतान है वह लगभग पूरा हो गया है। कांग्रेस को अपने समय याद करने चाहिए, जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक किसने भुगतान नहीं किया था, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमने अपना वादा पूरा किया है। देखिए, किसानों का जो भुगतान है वो लगभग पूरा हो चुका है, और कांग्रेस को अपने समय याद करना चाहिए जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक किसानों का भुगतान नहीं किया, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस जो लंबित भुगतान था उसको हमने पूरा किया है। वैसे तो किसी प्रकार से कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कहीं पर कुछ देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, तो उसमें जांच होगी और अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस ने कभी भी किसानों का हित नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, किसान सम्मान निधि से लेकर के जो उनके अलग प्रकार की सभी सुविधाएँ हैं वो हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, और किसान देश का जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है।